अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर चिंगवानी एंड आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम कोलैब करने वाले हैं टॉप4यू से और उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने एक साल में तकरीबन 8 लाख सब्सक्राइबर हासिल किए। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एक साल में आपने इतना सब्सक्राइबर कैसे किए, आपने इतना ग्रो कैसे किया? भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। और ग्रो करने का जो चक्कर है वो यही है कि वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता रहा हूँ। और शुरू में मैंने क्या किया, ऐसे ही उल्टे पुल्टे थंबनेल वगैरह वगैरह ये भी मारता रहा हूँ। और ये कुछ तो ये वजह बनी। और उस वक्त क्या था, जब मैं वीडियो अपलोड करता था रेगुलर था, तो यूट्यूब क्या था कि वीडियो वायरल कर देता था अगर आपका कॉन्टेंट बुरा भी हो। लेकिन अब क्या है, आपका कंटेंट अगर ज़बरदस्त होगा ना तो तभी आपका काम होगा। अब मैंने कोई इतना मतलब ना कोई कैमरा था ना मोबाइल था, ऐसे ही मतलब फालतू सा कंटेंट अपलोड करता रहा था, चैनल चल गया था। सिर्फ ये था कि मैं रेगुलर था बस। और अब अगर आपने मतलब ग्रो करना है या फेमस होना है यूट्यूब पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम ज़बरदस्त कॉन्टेंट या कुछ यूनिक लाना पड़ेगा। जो पहली चीज़ें हैं वो आप अपलोड करके मतलब अपनी वीडियो वायरल करके और सब्सक्राइबर नहीं आ सकता। चलें, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमें ये बताएं कि अब आप YouTube से मंथली कितना निकाल लेते हैं? अच्छा, मंथली YouTube से मैं अब अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, पहले काफ़ी कम थी और इन दिनों काफ़ी अच्छी। और YouTube के अलावा भी मतलब और भी सोर्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसके अलावा वेबसाइट वगैरह से। YouTube से उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती जितनी वेबसाइट से स्पॉन्सरशिप से हो जाती है, वो मतलब मेन सोर्स तो वो बाद में बन जाते हैं। शुरू में आप YouTube पे आते हैं और आप कुछ साल या 6 साल मेरे बाद फील करेंगे कि यार YouTube का तो मज़ा ही कोई नहीं है, वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, हम कोई और काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा मजा। सिर्फ आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, यूट्यूब सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब के बगैर आपको स्पॉन्सरशिप भी कोई नहीं देगा। हाँ ठीक है, अगर आपका एक इंस्टाग्राम का या फेसबुक का पेज है तो आपको मिलेगी, लेकिन वैसे आपको मतलब निज़ाम नहीं बन सकता। ये मेन चीज़ है कि यार आप यूट्यूब से काम करें। और अर्निंग की जहाँ तक बात है, यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। ये DSLR या मैं आप चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ कि ये ले लिया भाई यूट्यूब के पैसों से, ये ले लिया, तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर वीडियो चेक करें, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितने कमाता हूँ। और मैंने कुछ वीडियो अपने चैनल पर डाल भी रखी है इस ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, मैं कितना मतलब मंथली कमाता हूँ। चले सही है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी से इसको लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।